साथियों, सिर्फ और सिर्फ अपने अपने परिवार के लिए काम कर रही इन पारिवारिक पार्टियों ने आपको क्या दिया? ये बड़े बड़े बंगले बने तो किसके बने, ये महल बने तो किसके बने? सिर्फ और सिर्फ ये परिवार पार्टियों के मुखियाओं के ही बने हैं। बड़ी बड़ी करोड़ों की गाड़ियां आई, गाड़ियों को काफिला बना, गाड़ियां पार्क करने की जगह नहीं बची उनके घरों में, उनका बना। सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लोगों को हर बार टिकट दिया। क्या नीतीश बाबू के कोई भाई राज्यसभा में पहुंचे हैं? क्या उनका कोई बेटा बेटी पहुंचा है? क्या उनके चाचा मामा पहुंचे हैं? क्या लोकतंत्र के लिए काम करने वाले लोग जनता को अवसर देते हैं, क्या मोदी का कोई रिश्तेदार कहीं पहुंचा है? क्या भाई आपने कहीं देखा है? क्या क्योंकि हम आपके लिए जिंदा है, आपके लिए जान लगाते हैं जी, हम हमारे लिए पैदा नहीं हुए हैं। इन परिवार में तो पता ही होता है, और जहां जहां ये परिवार वाले सरकारों में बैठे करते क्या है, अगर तीन बेटे हैं तो उसको कहते हैं पांच जिले तेरा, ये पांच जिले तेरे, ये पांच जिले तेरे, जाओ मौज करो, ऐसे ही बांट देते हैं जैसे पर्सनल प्रॉपर्टी हो। वही उन पांच जिलों का एक बेटा मालिक हो जाता है, दूसरे पांच जिलों का दूसरा हो जाता है। कभी दामाद आवाज उठाए तो उसको दो जिले दे देते, कभी बेटी आवाज उठाए उसको एक जिला दे देते, राज्यसभा भेजो तो उन्हीं परिवार के, असेंबली में भेजो तो एक ही परिवार। तो फिर आपके बच्चे कहां जाएंगे? आपके लिए निर्णय कौन करेगा? इन लोगों को आपकी चिंता नहीं, आपके क्षेत्र की चिंता नहीं, सिर्फ अपने विकास की चिंता है। भाइयों और बहनों, वही एनडीए का मंत्र है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। एनडीए सरकार का निरंतर ये प्रयास रहा है कि कोई व्यक्ति, कोई भी क्षेत्र विकास के लाभ से छूट न जाए, सुविधा सम्मान और सुअवसर में किसी के साथ भी कोई भेद नहीं होना चाहिए। यही तो सुशासन का भी लक्ष्य है। नीतीश जी के नेतृत्व में इसी लक्ष्य को पाने के लिए बिहार में एनडीए ने लगातार काम किया है। आत्मनिर्भर बिहार का जो संकल्प लिया गया है, ये इसी सुशासन का, युवाओं के लिए अधिकार, अधिक से अधिक रोजगार के अवसर दिलाने का, यही तो रोड मैप है। ये बिहार के गांव गांव के सामर्थ्य को देश का सामर्थ्य बनाने का अभियान है। ये बिहार की औद्योगिक क्षमता, यहां के युवाओं के उद्यमशीलता को पंख लगाने का मिशन है।